त्यौहार हमारे हिंदू संस्कृति के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये त्यौहार एक उम्मीद देता है। उम्मीद के रिश्तों में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो प्यार होता है, और उसी प्यार की लंबी उम्र के लिए, उसी प्यार के प्रमाण के लिए हम सब औरतें और आदमी भी हम सब मिलकर ये व्रत रखते हैं, जिसको हम करवा चौथ कहते हैं, करक चतुर्थी का व्रत। मैं 12 साल से व्रत रख रही हूँ, जब से मेरी मैरिज हुई है। और इस व्रत की क्या मेन, तो इस व्रत का पर्पस ये होता है कि मदर इन लॉ से कनेक्ट करना और अपने हस्बैंड से कनेक्टिविटी को बढ़ाना। तो हस्बैंड के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करता है ये व्रत। और साल में हमें सबसे ज़्यादा क्रेज इसी व्रत का रहता है, सबसे ज़्यादा क्रेज रहता है। लेडीज़ को बहुत अच्छा लगता है। मॉर्निंग टू नाइट हम लोग पूरा रेडी रहते हैं, अपने हस्बैंड के लिए रेडी होते हैं। फिर शाम को मंदिर आते हैं, पंडित जी से कथा सुनते हैं, फिर जाके चाय पीते हैं। उसके बाद रात को अपने चांद का और दूसरे चांद का, दोनों चांद का हम वेट करते हैं, और अपने सरप्राइज गिफ्ट का भी वेट करते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है, क्या गिफ्ट मिलने जा रहा है। ये सब सरप्राइज रहता है हर बार, बिल्कुल। ये कथा सुनिए, कथा सुना रहे हैं पंडित जी का क्या मतलब? महत्व सबसे ज़्यादा ये है कि अगर आप हस्बैंड के साथ अपना लव और रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो कुछ डेडिकेशन आपकी तरफ से भी होना चाहिए। कि सारा दिन भूखे प्यासे रह के आपके अंदर कितनी पावर्स है कि आप अपने लव को और स्ट्रॉन्ग कर पाए। हाँ, सभी सुहाग ने अपने पति की आयु, लंबी आयु के लिए व्रत रख दी है, और इस समय माता करवा की पूजा करती है। हम सब यहाँ पूजा करने आए हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं कि सभी का व्रत सफल हो, सबके जीवन में बहुत खुशियाँ हो, और ये दिन सबके लिए मंगलमय हो, सबके पति की आयु दीर्घायु हो। कब से ये व्रत कर रहे हैं? 6 साल हो गए, मेरा 6ठा व्रत है, और हम हमेशा रखते हैं अपने पति के लिए। बहुत अच्छा लगता है कि हम ये काम कर रहे हैं और इससे हमारे पति की आयु बढ़ रही है और उन्हें खुशी मिलती है। सरप्राइज की भी आज का दिन काफी, हाँ, वेट करेंगे कि सरप्राइज मिले। पहले काफी शॉपिंग करा दी है, अब देखते हैं और मिलता है गिफ्ट की नहीं मिलता है।